एम्बुलेंस के खिलाफ मृतक के परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों एवं पुलिस से इस प्रदर्शन को लेकर काफी नोकझोंक भी हुई। मृतक के परिजनों ने सीओ अमेठी पर गंभीर आरोप लगाए। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी करवाया। आपको बता दें कि मुंशीगंज थाना क्षेत्र के चंदौकी निवासी विजय सिंह का शव थाना क्षेत्र के भुसियेवा के पास सड़क पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला था। पुलिस मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। आज शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने चंदौकी गांव के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान अमेठी क्षेत्राधिकारी के ऊपर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। वहीं मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि परसों हमारे पति 1 बजे कार देने के लिए सुधा दीदी के यहाँ निकले थे, रास्ते में सौरभ मिश्रा ने उन्हें मार दिया। मुझे नहीं पता कि क्या दुश्मनी थी, पर परसों जब मैंने फोन किया तो सौरभ मिश्र पैसे के बारे में पूछ रहे थे। कल सुबह भी पैसे की बात को लेकर दोनों में बातें हो रही थी। मृतक की पत्नी ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, मैं उनको अपने हाथों से मारूंगी तभी अपने पति की लाश जलने दूंगी। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, मुझे न्याय चाहिए। जिला अमेठी से रमेश चंद्र गौड़ की स्पेशल रिपोर्ट। भी जरूर होगा क्योंकि मानवता आप लोगों में है, पत्रकारिता बाद में। आज मैं इनका रिलेटिव हूँ, ये मेरा छोटा साला है, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं भी एक पद पे हूँ। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, ये सब हुआ, ये जन आक्रोश है। हमारे कमांडिंग अफसर सीओ साहब हैं लल्लन सिंह जी, लल्लन सिंह ने मेरे को आते ही एक वर्ड बोला जो मुझे चुप गया, हर्ट हो गया मेरे को, कि आप दिल्ली जाने का रास्ता भूल जाओगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, मैं ना कोई संविधान का अवहेलना करता हूँ, ना लॉ एंड ऑर्डर को, मैं मुझे भी पता है लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराना पड़ता है और मैं भी करता हूँ, कराता हूँ। लेकिन अगर एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ एक कमांडिंग अफसर ये बात बोलता हो कि आप दिल्ली जाने का रास्ता भूल जाओगे, तो मुझे बताओ फिर उन नेताओं का रास्ता क्यों ऐसे अफसर नहीं भुलवा देते जो आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। आलोक पांडे भी हैं, आप 10 दिन की समझ लीजिए, बस अब क्या करें। उनका एक बच्चा छोटा था, आदत मारे उनका, तब अपने मन से दुख चलावा दे भाई, उनका अपने आदत मारा, सारा मिश्रा मेरे मन से दुख मार दे, सारा मिश्रा। भैया पहली बात तो मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, जो है जिन लोगों ने मारा है उसको सजा होनी चाहिए। और कुछ पुलिस के द्वारा, हाँ, लल्लन सिंह आए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि दिल्ली नहीं, दिल्ली का रास्ता भूल जाओगे, दिल्ली नहीं जा पाओगे, तुम लोग गोली मार दिए जाओगे यहीं। और अभी तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तो कुछ भी नहीं हो रही है, जो हो रही है भैया मैं नहीं चाहिए। परसों 1 बजे निकले यहाँ से कार्ड देने शादी का दीदी के यहाँ, रास्ते में सौरभ मिश्रा ने मार दिया, मार दिया। कोई दुश्मनी थी किस बात को लेकर? कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैंने फोन किया था तो बस पैसे के बारे में पूछ रहा था। कल भी फोन किया सुबह तो बोल रहा पैसे कितने लिए थे वो। न्याय चाहिए कि तो मैं उनको अपने हाथ से मारूंगी तभी अपने हस्बैंड का न्याय चलने दूंगी, ऐसा नहीं चलने दूंगी। पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा, जब तक अपने हाथ से मारूंगी तब तक मैं अपने हस्बैंड का लाश नहीं जलाने दूंगी।